ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 30 सितंबर की छठवतान की, जहाँ परमात्मा पिता कहते हैं कि प्रत्यक्षता, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रेवलेशंस, बाइबल में एक रेवलेशंस का चैप्टर भी है। तो ये रेवलेशंस किसके बारे में हो रही हैं? सत्य को छुपा दिया गया है। आज इंसान ने अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा के इस्तेमाल के द्वारा जो सत्यता है उसको छुपा दिया है, परमात्मा को ही पर्दे के पीछे डाल दिया और अपने आप को प्रत्यक्ष कर दिया। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भयंकर हूँ, मैं ही धन वाला हूँ, मैं ही बुद्धि वाला हूँ, और वो आगे आ गया और भगवान को पीछे दबा दिया है, परमात्मा को, उस ऊर्जा को पीछे दबा दिया है। अब समय आ गया कि अपने आप को पीछे करें और परमात्मा को हम रिवील करें कि वो हैं कौन और कैसे हैं और वो करते क्या हैं। और परमात्मा इस धरती पर जब आते हैं तो वो इस धरती पर आकर के बहुत ही गुप्त रूप में आकर के वो रिवील करते हैं कि इस दुनिया के ड्रामा को बनाया कैसे है, और कौन सी आत्माएं सुखी सुखी शरीर छोड़ के जाएंगी और कौन सी आत्माएं दुखी होकर के शरीर छोड़ के जाएंगी। ये सब कुछ हमारे ऊपर है। अब परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें मुझे रिवील करना है। अब रिवील कैसे किया जाए? परमात्मा एक कंप्लीट पवित्र शक्ति है, बिल्कुल सिंपल शक्ति है, और उनको रिवील करना है ऐसी दुनिया में जहाँ पर उनके बच्चे बिल्कुल ही अहंकारी, लोभी, ईर्ष्यालु, घृणा करने वाले बन चुके हैं। उस अंधकार में एक सत्यता की किरण को प्रत्यक्ष करना, उसके लिए हमें स्वयं उनके जैसा गुणवान शक्तिशाली बनना जरूरी है। तो परमात्मा देखें कहते क्या है, उस रेवलेशन को, उस प्रत्यक्षता को करा कैसे जाए। परमात्मा कहते हैं प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भवा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं, कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं धरती पर, बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। अभी प्रतिज्ञा में क्या है कि मुझे जो कि शैतानी चीज़ें हैं, मन में कुछ, मुख में कुछ और कर्तव्य में कुछ, ये जो हम गलती करते हैं जिसके कारण हम मन में दिखाते कि हम बिल्कुल साफ हैं, मुख से भी बोल देते हैं हम कि हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्तव्य एक्शन में हम कुछ उल्टे होते हैं, ये चीज करना, परमात्मा कहते हैं ये तुम ये करके मुझे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, मैं सत्य हूं, मैं ट्रुथ हूं, तो तुम भी सीधे और सत्य बन जाओ, साफ बन जाओ, क्लीन और क्लियर बन जाओ। फिर चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, तुम्हें कितनी बुरी तरीके से भी इस्तेमाल करे, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करना माना जान भी, जान की बाजी लगा देना कि मैं सच बोलूंगा, सत्य करूंगा, चाहे दुनिया मुझे उसके लिए फांसी पर भी चढ़ा दे। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती है। जो मुझे कहा गया है कि मुझे ये कर्म करना है, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं करना है, जो मनाई करी गई है, जो कि ब्रह्मा कुमारी में हम सीखते हैं, वो मुझे करना ही नहीं है, चाहे मेरी जान भी चले जाए। इतनी ताकत अगर आ जाए तो विल पावर से कहते हैं आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। आज इंसान झूठ को बढ़ावा दे देता है, असत्य को बढ़ावा देता है, बोलता करना ही पड़ता है, क्या करें, लोभ करना ही पड़ता है, झूठ बोलना ही पड़ता है बिजनेस में, और जिस कारण से उसके अंदर विल पावर नहीं होती, जिसके अंदर विल पावर नहीं होती उसको अपनी सेहत ठीक करने की, अपने परिवार को चलाने की ताकत भी नहीं होती, उसके घर में भी हर चीज़ बिगड़ जाती है, उसकी सेहत भी बिगड़ जाती है उस इंसान की कुछ समय के बाद। परमात्मा कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रतन बन जाते हैं। किसके गले का हार? परमात्मा के गले का हार। उनका कोई गला नहीं है, उनकी कोई बॉडी नहीं है, लेकिन गले का हार का मतलब क्या हुआ कि हाँ, जो चीज़ बहुत प्रेशियस होती है उसी को तो आप गले के हार की तरह कैसे लगाएंगे, तो प्रेशियस, आप बहुत ही उनके लिए वैल्यूबल बन जाते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हो आत्मा, क्योंकि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो। तो या तो आप शैतान के रिप्रेजेंटेटिव हो या तो आप परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हो, ये चॉइस हमें अपने आप करनी है, किसका बनना चाहते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते, वह गले का हार अर्थात विजय रतन बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो, किसकी, परमात्मा के, कि हाँ ऐसी दुनिया में भी ऐसे लोग रह सकते हैं जो कि सही तरीके से, सीधे तरीके से चल रहे हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, एक समान करते हैं, कोई बीच में कुछ मिलावट नहीं। प्रतिज्ञा, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा,
इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। तो अगर हमारे अंदर सोचना बोलना करना एक समान हो जाए, अहंकार घृणा नफरत ईर्ष्या ये निकलती जाए खत्म होती जाए, तो हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे और जिस कारण से हम औरों का भला कर पाएंगे और ब्लेसिंग्स भी पा सकेंगे, परमात्मा की भी और उन आत्माओं की भी जो हमारे साथ जाती हैं। लास्ट में दवा काम नहीं आती, दुआएं काम आती हैं। कितनी कमाई आपने आप खुद जानते हैं। इसी के साथ ओम शांति।